उत्तराखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल विश्वविद्यालय अपने कई आंदोलनों के लिए हर बार चर्चाओं का विषय बना रहता है। ऐसा ही एक आंदोलन लगभग एक साल से बंद पड़ी हुई गढ़वाल विश्वविद्यालय की कैंटीन को खोले जाने के लिए AIDSO संगठन के छात्र छात्राओं द्वारा चलाया जा रहा है। आपको बता दें, विश्वविद्यालय में 3 कैंटीनें हैं, 2 श्रीनगर बिरला परिसर में और तीसरी चौरास परिसर में। ये तीनों ही कैंटीन पिछले एक साल से बंद पड़ी हुई हैं। इस संदर्भ में संगठन के छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस कदम इस संदर्भ में अभी तक नहीं उठाया गया है। ऑल इंडिया DSO संगठन द्वारा 12 फरवरी को विश्वविद्यालय कुलपति, विश्वविद्यालय कुलसचिव और अधिष्ठाता छात्र कल्याण को कैंटीन खोले जाने के संदर्भ में ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय परिसर में कैंटीन खोली जाए ताकि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को इसका पूर्ण लाभ मिल सके। साथ ही कहा गया कि अन्य कॉलेजों में तथा अन्य महाविद्यालयों में हर वक्त कैंटीन खुली रहती है, तो फिर विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद भव्य कैंटीन को क्यों नहीं खोला जा रहा। अपनी इस मांग के लिए छात्रों द्वारा 19 फरवरी को बिरला कैंपस में डेस्क लगाकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें काफी संख्या में छात्र छात्राओं का समर्थन देखने को मिला। आपको बता दें, छात्रों की मांग सिर्फ कैंटीन को खोला जाना ही नहीं बल्कि कैंटीन में सब्सिडी युक्त खाना दिया जाना भी है। कैंटीन में सब्सिडी युक्त खाने की मांग कई वर्षों से VV के अन्य संगठनों द्वारा भी उठाई जा रही है। छात्र संघ चुनाव के समय कैंटीन में सब्सिडी युक्त खाना दिए जाने जैसी मांग कई संगठनों के घोषणा पत्र में मुख्य रूप से रहती है, लेकिन सब्सिडी युक्त खाना तो दूर की बात। गढ़वाल VV का हाल ये है कि VV के मुख्य परिसर श्रीनगर में मौजूद तीनों ही कैंटीन एक साल से बंद पड़ी हुई हैं। कहने को तो ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में ही कैंटीनों का हाल बड़ा बेहाल है। छात्र छात्राओं को इससे काफी दिक्कतें होती हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि विश्वविद्यालय में बहुत दिनों से कैंपेन चल रहा है। हम सभी की मांगे हैं कि विश्वविद्यालय में, जैसे आपको पता होगा कि एक साल से पूरी कैंटीन बंद हो रखी है। आप सभी जैसे जानते हैं कि अलग अलग कॉलेज, जैसे छोटे छोटे जो कॉलेज होते हैं उनमें छोटी से छोटी कैंटीन उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में पिछले एक साल से तीनों कैंटीन बंद पड़ी है। बिरला कैंपस की 2 कैंटीन और चौरास की 1 कैंटीन बंद पड़ी है, जिसके लेकर हम लोग इसी डिमांड को लेकर कि विश्वविद्यालय में कैंटीन खुलनी चाहिए। नेशन वन से अमन रावत की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।